चना गेहूँ देखो देनी कितना सुंदर लगता है, दिखा दिए कितने रुको पंछी उड़त कर। हाँ का हो गई मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आज की वीडियो में मैं हंसने वाली हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और आप सब साड़ियों के बारे में बोलते हैं, तो ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? ये आपके भैया लेके आए थे अभी नवरात्रि में मेरे लिए। फोटो खींचे वो दिल लिखे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस तरबूज के बारे में, तरबूज का जो तरबूज के फ़ायदे के बारे में। ये तरबूज जो है वो मैंने बचपन में बहुत बहुत खाया है, बचपन में नहीं, मैं अभी भी गांव में आए, हमारा जो गांव है वो गंगा किनारे पास है, मतलब गंगा जी जो है वो बहुत नज़दीक है, गंगा नदी, तो यहाँ मिलता भी बहुत ज़्यादा है और हम खाते भी इसको बहुत ज़्यादा। बहुत सारे जगहों पे खरबूजा, कलिंगन और बहुत सारे नाम से जाना जाता है। आज आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो आज मैं इसको बात करने वाली इसके फ़ायदे के बारे में, लेकिन उससे पहले लेके चेहरे पे स्माइल प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और याद से नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबके पास तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। अगर मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तरबूज, तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, इस पर तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन जो मैं करती हूँ और जितना मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला, तरबूज जो है वो हमारी स्किन के लिए एकदम वरदान है। आप सब पूछती हैं ना कि आप अपने स्किन के लिए क्या करती हैं, तो गर्मियों का सीज़न आ गया है और बहुत दिनों से हमारे यहाँ तरबूज मिल रहा है, तो मैं एक तरबूज का छोटा सा टुकड़ा लेके अपने पूरे फेस पे उसको अच्छे से पहले रगड़ती हूँ और 5 मिनट के लिए छोड़ के फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी स्किन जो है एकदम ग्लोइंग, एकदम चमकीली हो जाए। वाटरमेलन तरबूज जो होता है वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सीजन गर्मियों का है तो बहुत सारी जो धूप से हमारे स्किन पे लेयर लेयर जम जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करिए, फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। वाटरमेलन का जूस, ये हमारे पेट के लिए एकदम समझिए वरदान है। जिसको थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसका जूस पी, इसका जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ये गर्मियों के सीज़न का फल है, बहुत ज़्यादा पानी हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर हमारा पेट ही सही नहीं रहेगा तो हमारी स्किन तो ग्लोइंग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका जूस जो है वो लड़का लड़की कोई भी हो, जिसको भी, ये नहीं कि पेट में प्रॉब्लम हो तो ही पीना है, आप इसको हर रोज़ जब तक ये आपको मिल रहा है इसका जूस पीजिए और आपका पेट अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और गांव में तो मिल जाता है, शहरों में भी मिल जा रहा है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। मैं आपसे बात ही करूँ कि इसको खाऊँ, बात करूँ कि खाऊँ, पहले खा लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ इसके फ़ायदे। तो ये तरबूज किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आ रहे हैं कि लिपस्टिक के बारे में, कि आपने लक्ष्मी का, मैंने एक लिपस्टिक वाली वीडियो बनाई थी तो कौन सा यूज़ किया, मैंने उनको कमेंट करके बताया लेकिन उन्होंने बोला कि वीडियो में दिखा दीजिएगा। तो ये देखिए, ये लक्ष्मी की लिक्विड लिपस्टिक है जो 149 का है, और वो बोल रही थी कि नहीं, तो ये देखिए 149 की लिपस्टिक है, तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा। तरबूज को आप स्टोर करके भी रख सकती हैं, और उसको आप जिसमें हम फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं उसमें तरबूज के छोटे छोटे टुकड़ों को जमा के रखिए, और अगर नहीं मिल रहा तो आप 15 से 20 दिन तक आप ऐसे भी काम चला सकती हैं। उसका एक टुकड़ा उठाइए और अपने फेस पे अप्लाई करिए।
और सुनिए, ये नहीं कि आप खुद पे लगा लीजिए और अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिए, अपने हस्बैंड के फेस पे भी उसको लगा दिया करिए, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े से करना नहीं चाहते, तो आप इतनी हेल्प तो उनका कर ही दीजिए, लॉकडाउन में वो आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और शाम का टाइम हो गया है, और अगर ये वीडियो आप सबको मतलब अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको डेमो करके तरबूज का जो भी मैंने बताया वो डेमो करके भी मैं आप सबको दिखाने वाली। शाम का टाइम हो गया है तो अभी खाना बनाने, पीछे देखिए हमारा चूल्हा दिख रहा है, तो मैं हाँ चाय भी बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियाँ लेके आऊँ अपनी बगिया से। बहुत सारी सब्जियाँ नई नई भी हमने लगाई हैं, वो भी मैं आप सबके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो शाम की सब्जी के लिए क्या बनाए, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बगिया में अभी क्या लगा है जो मैं आज तोड़ के बनाने वाली। तो आइए हमारे साथ हमारी बगिया में, और ये मैं निकल पड़ी हूँ और शाम हो गई है इसलिए वीडियो, ये देख रहे हैं वाइट वाइट धनिया का फूल कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ क्या है, तो मुझे मिला है ये लतरा बोरा, और क्या क्या बोलते हैं इसको, बीन्स। तो मैंने सोचा कि चलो आज की सब्ज़ी मैं इसी की बनाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है ना अपने आंगन में जो भी है उसको लीजिए और उसकी सब्ज़ी बनाइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए अच्छी जानकारी वाली होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी फॉलो करिए, लिंक जो आपका आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरी बहुत सारी वीडियो भी होती है तो उन वीडियो को भी देखा करिए, और अपना टॉपिक बताया करिए मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, कुछ लोगों के सजेशन भी आते हैं। तो अब मैं चल रही हूँ जाके जल्दी से थोड़े से किचन, ये देखिए तो रही हमारी किचन के काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बाय बाय।